अभी हम ये यहाँ पे डीपी का डीपी यानी सेट करने लगे हैं। ठीक है, डीपी कैसे सेट करते हैं, ये पड़ी हुई है डीपी। ठीक है, अब इसके अनबॉक्सिंग करते हैं, ये कैसे कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। ये खोल के आपको चेक करवाते हैं, हम अनबॉक्सिंग करने लगे। ये देखिए, ये हमने मंगवाया हुआ है 18 मुफ्ते वाला। ठीक है, जिस पे 18W लिखा होता है उसका मतलब है ये 18 मुफ्ते वाला है। यहाँ पे अगर 12 लिखा होगा तो ये 12 वाला होगा, अगर 24 लिखा होगा 24, यानी यहाँ पे जो लिखा होगा यानी उतने ब्रेकर वाला डीपी होता है। ठीक हो गया, ये अभी हम इसके अनबॉक्स। और ये आप ये यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है 100 एम्पेयर लिखा हुआ है, यानी 100 एम्पेयर। ठीक है, यहाँ पे अगर 60 लिखा होगा तो वो 60 एम्पेयर का होगा, तो वो आप अपनी मर्जी से जैसे मंगाना चाहे तो ये मंगा सकते हैं। मैंने 100 एम्पेयर वाला मंगाया। ठीक है, ये चीज़ चेक कीजिए, ये हम निकाल लेते हैं। ये चीज़ चेक कीजिए, ये निकला है। अच्छा, ये चीज़ चेक कीजिए, अब हम इसको खोलेंगे। खोलेंगे कहाँ से, ये पहले इसके लॉक होते हैं। ठीक है, ये दोनों लॉक होते हैं, हम इसको थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ करेंगे। ठीक है, ये निकल आया, ये इसका जो दरवाज़ा वाला था वो। ठीक है, ये पेज, अब हम ये चारों पेज खोलेंगे तो वो खुल जाएगा। अच्छा, ये देखिए, अब हमने सारे पेज खोल लिए हैं, तो ये हम इसका ढक्कन हटाएंगे, तो नीचे से ये सारी चीज़ें निकल आई। ठीक है, अच्छा, कई यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन मैंने देखे हैं जो इस चीज़ को निकालते नहीं है, इस चीज़ को बीच में लगा के छोड़ देते हैं, लेकिन जब वो पानी लगता रहता है तो जिसमें रेत घुसती है तो इसकी लाइफ वो नहीं रहती जैसे इसको अगर सेव किया जाए तो रहेगी। ठीक है, यानी ये निकाल देना चाहिए, इसमें छोड़ेंगे बाद में प्लस्टर होगा, इसमें सीमेंट घुसेगा, ये हो भी सकता है यानी पानी की वजह से ख़राब हो जाए, ये वाटर प्रूफ नहीं होता, इसमें पानी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हम इसको खोल देंगे। ये हमने खोल दिया। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये हमने चल दिया। अब ये हम नट शट वापस उसी जगह लगाते हैं ताकि घूम ना हो जाए। अच्छा, ये देखिए, ये हमने पेज सारे यहाँ पे लगा दिए ताकि ये घूम ना हो जाए। ठीक है, इसी जगह हमने लगा दिए, तो ये जो हमने नट खोले थे ये भी हमने उसी जगह लगा दिए ताकि बाद में जब ज़रूरत पड़े तो हम खोल लेंगे। ठीक है, अभी ये यहाँ से हमने, यानी आप ये चीज़ चेक कीजिए, ये चीज़ चेक कीजिए, यहाँ से हमने पाइप दाखिल करना है, तो बजाय ये हम यहाँ से तोड़ें। ठीक है, मेरी ये आदत है, मैं ये सारा खोल देता हूँ। ठीक है, बाकी सब इलेक्ट्रिशियनों का अपना अपना काम होता है, बाकी ये को कुछ ये तोड़ तोड़ के सारे निकालते रहते हैं, तो मैं यार यदि ना ये पूरी ये जो प्लेट होती है ना ये निकाल देता हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है, यदि थोड़ी सी आगे पीछे भी हो जाए तो आसानी से पाइप अंदर आ जाता है। ये हम तो सारी ऐसे ये देखिए, ये पूरी प्लेट हमने उतार दी। ठीक है, इसी तरह ये दूसरी साइड भी हम
उतार देंगे। अच्छा ये देखें, ये दूसरी प्लेट भी हमने उतार दी, ठीक है। ये अब हमें ज़रूरत नहीं है, अब हमने दोनों साइड खाली कर लिए, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा, आसानी से पैप अंदर जाएगा, चाहे इस साइड से आ जाए, इधर से आ जाए, इधर से। अगर ये प्लेट लगी होती तो फिर फिक्स आपको जरी इसके सीध में मारनी पड़ती, मसल में लगा हुआ है, इसके सीध में जरी मारनी पड़ती। अब हमें फ़ायदा क्या है, सही है, अब हम जरी चाहे इसके सीध में मार दें, इसके सीध में मार दें, कहीं भी आए तो हमारे पाइप आ जाएगा आसानी से। कंपनियों वाले जो होते हैं उनको, उन्होंने तो पूरी जाड़ी में सिर्फ दो ही जरियाँ मारनी होती है, तो उनके लिए तो और है, लेकिन हमारा काम होता है, हमने काम ख़त्म करना होता है, सही है। ये हमें जितना जल्दी हम काम करेंगे उतना फ़ायदा है, ठीक है। और ये जो हम कर रहे हैं इसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। अगर कोई नुकसान होता है तो फिर बंदे की समझ आती है यार सीधी जरी मारे इसका क्या नुकसान है, या हम सीधा पाइप डाल देंगे, चाहे इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, कुछ भी हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक हो गया। अब हम इसको फिक्स करके देखते हैं कहाँ पे ये आएगी। अच्छा ये देखें, ये अब हम सेट करने लगे, ये चाक नुमा लेते हैं, ये हम कहाँ पे सेट करेंगे, ये हम यहाँ पे सेट करेंगे, ये वहाँ पे दरवाजे, वो दरवाज़ा देखिए, हम दरवाजे से थोड़ी सी दूर रखेंगे, अगर जब दरवाज़ा अगर खुले तो इसके ऊपर ना लगे, ठीक हो गया। ये इस तरह से हम यहाँ पर रखेंगे, अभी आरजी तौर पे निशान लगाएंगे, बाद में लेवल सेवल बाद में करेंगे, ठीक है। ये हम ठीक हो गया, ये हमारी डीपी का निशान आ गया, इसको मालिश हो गया, ठीक है। अब ये हम जरी मारेंगे, जरी मार के फिर वो जो हम मैंने आपको दिखाई थी वो दूसरी केबल की, जो केबल का जो पाइप है वो यहाँ से नीचे से आएगा, ठीक है, जो हमारी जरी नीचे जाएगी, ठीक हो गया। ये अब हम जरी मारते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे ये फिक्स करेंगे, ठीक है। ये अब मैंने जरी मार लिया, ठीक है, मैं घर रख के दिखाता हूँ आपको कैसे आएगा। ठीक हो गया, यानी ये आधी सेंटी बाहर भी आ गई, मतलब आधी सेंटी बाहर आ जाए, एक सेंटी बाहर आ जाए, तो वो प्लस्तर के बराबर आ गया, ठीक होगा।